सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको घर पे ऑल द सडन और जल्दी में आलू वाले पराठे खाने का मन हो और अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाए, आपको होता है कि हम आलू वाले पराठे बनाएं, लेकिन कई बार जो हमारे आलू हैं जब उसको बॉईल करते तो वो लेसदार हो जाते हैं, जैसे कि फिर वो पराठों में अच्छा टेस्ट नहीं आता और ना ही हम उसको अच्छे से सर्व कर पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप आलू बॉयल कर सकते हैं, वो भी बिना लेसदार और ड्राई वन। तो उसके लिए जो है मैंने आलू ले लिए हैं। आलू का साइज, ये साइज ठीक है, लेकिन फिर भी इसको मैं कट इन हाफ कर लेती हूँ ताकि जो अच्छे से है वो आलू बॉयल हो जाए। आलू अगर छोटे साइज का है तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा है तो आप उसको ऐसे पीसेस में है जो काट लीजिए। काटने के बाद अब मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, जो कि बिल्कुल मैंने थोड़ा ड्राई कर लिया है, उस पर धीमी आंच पे रख के उसको सेक लिया, अच्छे से वो ड्राई हो गया है। अब इस ड्राई प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा वेजी ऑयल या घी, कुछ भी आप लगा सकते हो। मैंने इसके लिए स्पून यूज किया है, लेकिन आप फिर भी इसके लिए अगर चाहते हैं तो आप ब्रश ले लीजिए। ब्रश के साथ ये होता है कि अच्छे से जो ऑयल है वो चारों ओर स्प्रेड हो जाता है। ओके, जो ऑयल है अच्छे से वो स्प्रेड हो गया चारे कुकर के चारों ओर। तो अब जो आलू है, ध्यान रखे इसको डाउन कभी नहीं रखना, इसका जो छिलका है वो हमेशा ऐसे बॉटम पे ही होना चाहिए। अगर हम दूसरी तरफ रखते हैं तो जो आलू है वो स्टिक हो जाते हैं प्रेशर कुकर के साथ, फिर वो नीचे से जल जाता है। सो बेटर कि आप जो आलू का छिलका है वो ही डाउन साइड हो, ना कि कटा हुआ हिस्सा। अब जो है मैंने सारे आलू ऐसे ही रख दिए। आप ध्यान दीजिए कि कोई भी आलू जो है वो डाउन साइड नहीं है, सारे छिलके वाले साइड ही डाउन होने चाहिए। अब इसके बाद मैं एक क्लॉथ लूंगी, उसको अच्छे से वेट करना है, कॉटन का क्लॉथ हो उसको अच्छे से वेट करना है, लेकिन जो ज्यादा स्क्वीज नहीं करना, थोड़ा सा वेट रहना चाहिए। ज्यादा स्क्वीज करेंगे तो उसका जो प्रेशर है, उसका जो भाप है वो नहीं बनेगी। अब इस क्लॉथ को आप जो है पूरे आलू इस क्लॉथ के साथ कवर कर देंगे। आप देख लीजिए जो आलू है मैंने वो अच्छे से कवर कर लिए हैं, बट मेक श्योर जो क्लॉथ है वो थोड़ा वेट ही होना चाहिए। अब मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है। अब जो मैंने गैस है वो फुल पे कर दिया है। फुल पे आप इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे, और जब आपको लगे कि इसका प्रेशर बनने वाला है, थोड़ी सी विशल बजने वाली है, तो आप उसको धीमा भी कर सकती हैं। ओके, सो अब जो है 4 to 5 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो आपने थोड़ा सा उठा के देखना है। अगर आपको लगे कि विशल बजने वाली है, प्रेशर अच्छे से बढ़ गया है, तो जो आँच है इसको धीमा कर देंगे। पहले मैंने हाई पे रखा था, अब 5 पे कर देते हैं। 5 or 4 doesn't matter। इसको हम 2 मिनट और ऐसे ही रखेंगे, अगर विशल भी बच जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे प्रेशर कुकर को यहाँ पे रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं, 2 या 3 मिनट। इसके बाद जो है मैंने गैस को बंद कर दिया है। मेक श्योर अगर आपका गैस ऐसे है, रॉड वाला है, तो राइट वे उस सपेट से उठा के आप यहाँ पे रख सकते हैं, ताकि इसको ठंडा होने में टाइम लगता है। ओके, अब जो हमारे आलू है वो बन के रेडी है। इसके लिए अब देखें कि इसमें प्रेशर नहीं है, प्रेशर बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो हम प्रेशर कुकर को जो खोल लेते हैं। अब इसको जो क्लॉथ है, ध्यान रखें आप किसी चीज के साथ उठाए हाथ नहीं डालना, कि आपका हाथ बर्न हो सकता है, अपने आप को आप पहले सेफ रखें। इस क्लॉथ को उठा के मैं एक साइड पे रख देती हूँ। अब जो आलू है उसको भी आपने किसी चीज के साथ ही उठाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे आलू है जो मैंने प्लेट में निकाल दिए हैं। आप इस आलू को राइट पे छीलने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसके साथ आपका हाथ बर्न होने हो सकता है। तो जो आलू है उसको थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि जो आलू है मैंने एक कंटेनर में निकाल लिए हैं, उन्हें अच्छे से पील कर लिए। अब आप एक मैचर लेकर आलू को मैश कीजिए। आई थिंक आप फील कर सकते हैं कि जो आलू है वो बहुत ही ड्राई है। अब हमने आलू जो है वो मैश कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि आलू मैश होने के बाद बहुत ही ड्राई लग रहे हैं, ये देख लीजिए। सो
ऐसे जो आलू हैं वो हम स्पेशली पराठों के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि पराठों में जो लेसदार आलू हैं वो वर्कआउट नहीं करते, वो हमेशा पराठे से बाहर निकलते हैं और पराठे का टेस्ट भी नहीं आता। लेकिन आप ऐसे आलू करके डालेंगे तो आपके पराठे का टेस्ट भी थोड़ा अलग ही होगा। सो आज की वीडियो में हमने आपको ड्राई आलू बनाने की जो रेसिपी बता दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल MM आलिया ब्लॉग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।